अशोक गहलोत को अच्छा कि मोदी अच्छा है, दिए जलाने वाला अच्छा मरता कि आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, तो बस दिए जलाओ राशन छोड़ दो। कोरोना संकट में सभी लोग पार्टी जात पात से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राशन पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हाल ही में ताजा मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक विधायक ने गांव में राशन बांटते वक्त सवाल पूछा कि पीएम मोदी अच्छे हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिए जलाने वाला अच्छा मरता कि आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ दिए जलाने वाला अच्छा है या राशन देने वाला। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी को बेहतर बता दिया तो विधायक राजेंद्र सिंह भिदोड़ी भड़क उठे और उन्होंने महिला से कहा कि आप दिए जलाओ और राशन वापस छोड़ जाओ। विधायक का यही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग विधायक के इस कृत्य की खूब आलोचना कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर साझा किया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे ट्विटर पर शेयर किया। इसके बाद इसे बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। सोनिया जी, ये क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया है कि कांग्रेस शासित राज्यों के लिए राशन देते समय पूछा जाता है कि बोलो मोदी अच्छा है या अशोक गहलोत, और अगर बूढ़ी माँ मोदी का नाम लेती है तो उसे राशन वापस लिया जाता है। आपके विधायकों को शर्म आनी चाहिए इस अमानवीय व्यवहार के लिए। अब आप सोचिए, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सरकार को सुझाव दे रहे हैं वो भला विधायक की इस हरकत पर क्या कहेंगे, पूछिएगा जरा। अरे मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है, बताओ। दिए जलाने वाला अच्छा मरता कि आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप आपको कह रहे हो आपको, हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ राशन छोड़ दो, कौन अच्छा है?